हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नेचुरल ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने के प्राकृतिक तरीके लाइक गार्लिक यानी लहसुन, सिनेमन जिसे हम हिंदी में दालचीनी भी बोलते हैं, जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी और खास तौर पे कच्ची हल्दी, ग्रेप सीड्स दैट इज अंगूर के बीज, थाइम जिसे आप हिंदी में अजवाइन के फूल बोलते हैं, मकोई यानी कि मकोई जिसे ब्लैक नाइटशेड भी बोलते हैं, यू कैन सर्च गूगल, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसके सीड्स जो हैं, जो इसके फल हैं वो आपको खाने चाहिए, बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, वेरी स्मॉल टिनी फ्रूट्स, रेड एंड ब्लैक दो तरह की कैटेगरी होती है, इसमें दो तरह की इसकी वैरायटी होती है, आपको दोनों के दोनों ही खाने चाहिए, आपको हार्ट ब्लॉकेज दूर करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको वेट मैनेजमेंट भी करना है, आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर डेली वॉक करना है। फ्रेंड्स अगर आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी वॉक कर सकते हैं, आपकी एक पास कैपेसिटी है, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा है, आपका बीपी शूट नहीं मारता है या आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती है, तो आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों में कमजोरी है, तो आप 1 किलोमीटर चलें या 0.5 किलोमीटर भी चलें, लेकिन आपको ध्यान रखिए आपको चलना ज़रूर है। फ्रेंड्स अगर आप बैठे रहेंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बढ़ती चली जाएगी, आप जितना चलेंगे जितना फ्रेश एयर में घूमेंगे उतना ब्लॉकेज आपकी दूर होगी। फ्रेंड्स एक्सरसाइज भी इस मामले में बहुत ज़रूरी है, आपको अगर ब्लॉकेज है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप संभव हो, एज़ पर योर कैपेसिटी एंड एज़ पर योर कैपेबिलिटी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत किस्म के ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बादाम है, ब्लू और रेड बेरीज हैं, पिस्ता और काजू, खजूर हैं, अखरोट हैं, हल्का सा भिगो कर खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। इसके अलावा एप्रिकॉट है, हेज़ल नट्स हैं, पीनट हैं, प्रूनस हैं, ड्राइड प्लम है, ये सभी विटामिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इसमें फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। ड्राइड फिग्स हैं, फॉक्स नट्स हैं जिसको कि हम हिंदी में मखाना भी बोलते हैं, मखाने भी बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी भी फ्रेंड्स बेरीज हैं, सीड्स हैं, जैसा चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेजमे सीड्स, बस इसे कभी भी आप रोस्टेड सीड ना खाएं, जितना भी हो सके इनको भिगो कर खाएं। जितने सीड्स आप भिगो कर खाते हैं ना फ्रेंड्स उतने ही अच्छे होते हैं, जितने आप रोस्टेड करके खाते हैं उतना वह ये आपको नुकसान करते हैं दोस्तों। आइए इसके अलावा हम समझते हैं कि हमें कौन से आसन और कौन से प्राणायाम क्या क्या चीज़ करना चाहिए, वो भी हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ सभी आसन सभी प्राणायाम मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, और वीडियो स्लो या फास्ट करके आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं। बने रहिए वीडियो में। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः
प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।